गुड इवनिंग दोस्तों, जय माता की। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग ठीक होंगे, हम भी ठीक हैं। और ये देखो शाम के बज गए 5, तो मैं आई हूँ थोड़ा वॉकिंग करने, तो घूम घाम के। तो कल बारिश हुई थी ना, मैंने कहा यहाँ देखो ठंड हो जाती है ना, एक दिन बारिश हो गई कल, तो आज हमें स्वेटर निकालना ही पड़ा। हवा भी चल रही है, ये देखो ब्लैकबेरी पके हैं इधर, पता नहीं हमारे वहाँ क्या बोलते हैं इसको, हिसाऊ जैसा हो रखे ना, बेल तो शायद हिसाऊ जैसा है पर ये हिसाऊ नहीं है दोस्तों, पता नहीं क्या है ये, पहचान रहे इसको? पके हैं ये, पर मेरा ना मन नहीं करता ऐसे खाने का, छोटे छोटे कीड़े भी होते हैं। हमारे वहाँ नहीं होते बांस के, वो होते जो कुंडी मुखा बोलते हैं, ऐसे हो रहे हैं देखो, इतने सारे हो रहे पेड़ में। बिल्ली देखो दोस्तों, म्याऊ, कितने प्यारे फूल लगे, म्याऊ। किसी ने यहाँ पे ना अपना कैंपिंग लगा रखा है, देखो यहाँ पे रह रहा कोई। कब तक आई घूमने? बारिश का आने का संभावना है दोस्तों, मैं भी यहीं से घूम के जाती हूँ घर। इधर सारे पत्थर लगे हैं, ये पत्थर लगे यहाँ पे, यहाँ पे बच्चों का झूला लगा है, छोटा सा पार्क है ना यहाँ पे। कल ही आई हूँ, आप मेरी फ्रेंड भी नहीं आई, तो अकेला अच्छा भी नहीं लगता घूमना, तो मैं यहाँ पे बैठती हूँ थोड़ी देर, फिर जाती हूँ घर को। तो दोस्तों मैं पहुंच गई हूं घर, थोड़ा सा घूम के आई हूं, और अभी 5 बजे गई थी मैं, 6 बजे हैं अभी, तो अभी मैं 1 घंटा साधना कर लेती हूं। अभी तो बहुत टाइम है, 9 बजे अंधेरा होता है आजकल यहाँ, और हमारे ड्यूटी वाले आएंगे 9:30-10 बजे तो आएंगे, 9:30 बजे तो आएंगे, तब तो मैं 1 घंटा साधना कर लेती हूँ, फिर मेरे को पूजा करूँगी, उसके बाद बनाऊँगी खाना। और आप क्या कर रहे हो इंडिया में? आपके यहाँ क्या टाइम हो रहा होगा? 7:00-3:00 बजे होंगे, 2 बजे, 2:30 बजे होंगे आपके घर, तो ना तो कल बारिश हुई थी, आज इतनी ठंड होगी ना, बाहर में घूमने गई इतनी हवा चल रही है, बता सर दर्द हो जाता है हवा में ना, हवा चल रही बाहर, ठंड में तो बाहर घूमने मन नहीं करता, बाहर घूमने का ना हवा के मारे सर दर्द हो जाता है। तो चलो ठीक है, आपको मैं करती हूँ यहाँ पर बाय, तब तक के लिए बाय, 1 घंटे के बाद मिलते हैं। तो दोस्तों आज मैं बनाऊँगी जुकिनी की सब्ज़ी, यहाँ तो इसको जुकिनी बोलते पर आप इंडिया में क्या बोलते हैं इसको, पता नहीं क्या होगा, गद्दू, बताना कमेंट करके इंडिया में इसको क्या बोलते हैं। आज रात का डिनर में ये बनेगा, तो ऐसे बनाती हूँ, आप कैसे बनाते हो कमेंट करके बताना, हाँ जरूर बताना। इसमें थोड़ा मैंने जीरा डाला और थोड़ा धनिया मसाले डाल दिया, थोड़ा राई का दाना डाल दिया, तड़का मार दिया, और डाल दिया मैंने। अब मैं डालूँगी इसमें क्या डालूँगी, नमक स्वाद के अनुसार नमक डालो, और थोड़ा इसमें डालूँगी मैं हल्दी पाउडर, थोड़ा डालूँगी इसमें
क्या है, काली मिर्च थोड़ा सा डालें, काली मिर्च थोड़ा डाल दिया मैंने इसमें, कुटी हुई मिर्च, कुटी हुई मिर्च डाल दिया, डालूंगी मैं इसमें हरी मिर्च काट के। अब इसमें लगा दो ढक्कन, हल्के आग में पका लो, जल्दी पक जाता है इसकी सब्जी। इसमें ढक्कन तो दो तो थोड़ा ना दही डालूंगी। तो दोस्तों सब्जी मेरी बन गई है, अब मैं इसमें डालूंगी थोड़ी दही, थोड़ी इसमें डाल दो दही, बहुत ही अच्छा टेस्टी बन जाएगा। गैस बंद कर दो और थोड़ा इसमें दही मिला के, मैंने गैस कर दिया बंद और ये सब्जी पक गई। अब बारी आती है धनिया डालने, इतनी अच्छी खुशबू आ रही है ना धनिया, धनिया तो मेरे फेवरेट है धनिया, इतनी खुशबू आ रही है धनिया, धनिया डाल दो थोड़ा सा, अच्छी खुशबू आ रही ना, बहुत ही अच्छी खुशबू। तो अब बारी आती है रोटी बनाने की, देखो ये गेहूं का आटा, ये है मटर का आटा, इसके अंदर भर दो, ठीक है, इसको ऐसे कर दो जैसे आलू का परोठा जो बनाते ऐसे, इसको हमारे उत्तराखंड में बोलते हैं मंडू की रोटी। तो कौन कौन इसकी रोटी खाता है और कमेंट करके बताना ज़रूर, किस किस को पता है, उत्तराखंड वालों को तो पता होगा, बाकी और लोगों को पता नहीं होगा। तो देखो ऐसे बनती है इसकी रोटी, ये देखो। तो ये है वो रोटी, ये देखो इसके अंदर मंडे का आटा है, बाहर से गेहूं का आटा है, समझ गए होंगे आप। देखो दोस्तों चूल्हा कम जलता ना, इसलिए चूल्हा बहुत बेकार है हमारे, मुश्किल होती रहती है। तो दोस्तों अब हम खाते हैं खाना, ये है दिन की दाल, दही, सब्जी, चुकी मिकी, रोटी, अब हम खाते हैं खाना और पहले भगवान जी को लगाते हैं भोग, उसके बाद हम भी खाते हैं। तो खाना खाने के बाद मिलते हैं, तब तक के लिए बाय। तो खाना हमारा हो गया है और मैंने बर्तन भी धोने, भी 9:45 हो गए, बर्तन धो के फिर सोते हैं उसके बाद। फिर आपको आज का ब्लॉग कैसा लगा, अगर आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, दोस्तों सब्सक्राइब करना मत भूलना। अब मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।